जब भी डॉक्टर पेशेंट को अल्ट्रासाउंड के लिए लिखता है तो पेशेंट के दिमाग में ये इम्प्रेशन होता है कि अल्ट्रासाउंड तो खाली पेट होता है और पेशेंट खाली पेट फास्टिंग में मॉर्निंग में आके अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं और उनको ये जानकारी ही नहीं होती है कि अल्ट्रासाउंड भी खाना खा के हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शिखा अग्रवाल और आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से अल्ट्रासाउंड फास्टिंग होते हैं और किस किस अल्ट्रासाउंड के लिए खाना खा के आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, प्रेगनेंसी में जितने भी अल्ट्रासाउंड होते हैं वो खाना खा के किए जा सकते हैं। तो जब भी गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड कराना होता है तो उसे अपना रूटीन नाश्ता, ब्रेकफास्ट जो भी वो करती है उसे खा पी के डॉक्टर के पास जाना है। खाली पेट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। काफ़ी महिलाएँ खाली पेट अल्ट्रासाउंड के लिए चली आती हैं और फिर जब वो उनका नंबर आते आते 12-1 बज जाते हैं तब तक उनको चक्कर आने लगते हैं, वो लोग फेंट हो जाती हैं। तो प्रेगनेंसी में जितने भी अल्ट्रासाउंड हैं वो खाना खा के जा सकते हैं। सबसे पहले जो अल्ट्रासाउंड करते हैं वो डेटिंग स्कैन करते हैं, 1.5 से 2 महीने के बीच में अल्ट्रासाउंड करते हैं। उसमें देखा जाता है कि बच्चा नॉर्मल जगह पे है, यूट्रस में है और बच्चे की धड़कन आ गई है या नहीं आई है। तो इस तरह से जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो भी खाना खा के किया जा सकता है। सेकेंड अल्ट्रासाउंड जो होता है एनटी स्कैन या लेवल 2 अल्ट्रासाउंड या ग्रोथ स्कैन, तो जितने भी अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी के हैं उन सबको खाना खा के किया जा सकता है। अतः गर्भवती महिला से मेरा अनुरोध है कि जब भी अल्ट्रासाउंड के लिए जाएं अपना रूटीन नाश्ता और खाना खा के जाएं। अल्ट्रासाउंड लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में हम नीचे के अल्ट्रासाउंड करते हैं, मतलब कि यूट्रस और ओबरीज, मतलब कि बच्चेदानी और अंडेदानी को देखा जाता है कि बच्चेदानी में कोई रसोली तो नहीं है, अंडेदानी में कोई सिस्ट तो नहीं है। तो ये जो पेल्विक अल्ट्रासाउंड होता है इसके लिए भी आप खाना खा के जा सकते हैं डॉक्टर से के पास, और जब भी खाना खाएंगे उसके बाद भी ये अल्ट्रासाउंड आराम से किया जा सकता है। बस पेल्विक अल्ट्रासाउंड के लिए एक कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है, वो है ब्लैडर फुल करना पड़ता है। मतलब कि जब भी आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाएंगे तो उससे 3 घंटे से पहले पेशाब को होल्ड करके रखेंगे, यूरिन को होल्ड करके रखेंगे, इसके बाद आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाएंगे। अल्ट्रासाउंड TBS, TBS मींस ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। बाकी सोनोग्राफी जो होती हैं वो पेट के ऊपर जेली लगा के किए जाती हैं, लेकिन ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी में जो सोनोग्राफी की जाती है वो इंटरनल सोनोग्राफी की जाती है, मतलब कि योनि मार्ग में एक पतला सा प्रोब को इंसर्ट किया जाता है और देखा जाता है कि यूट्रस और ओबरीज में कोई रसोली या सिस्ट, हेमरेजिक सिस्ट तो नहीं है। तो TBS के लिए भी आपको फास्टिंग की कोई भी जरूरत नहीं होती है, आप अपना रूटीन नाश्ता और खा पी के जा सकते हैं। और सेकंड बात, TBS में आपको पेशाब भी रोकना नहीं पड़ता है, मतलब कि आप बल्कि ब्लैडर को एम्प्टी करके जाना पड़ता है, आपको पेशाब करनी पड़ती है, यूरिन को पास करना पड़ता है, उसके बाद ही ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी की जाती है। तो ये वाला अल्ट्रासाउंड तो बहुत आसान है, मतलब कि आप चलते फिरते इस अल्ट्रासाउंड को करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड KUB, KUB स्टैंड फॉर किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो जब भी किडनी का यानी गुर्दों का या ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड कराना होता है तो उसके लिए फास्टिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है, आप अपना रूटीन नाश्ता खा के जा सकते हैं। बस इसके लिए आपको ब्लैडर को फुल करना पड़ता है, मतलब पेशाब को रोकना पड़ता है। तो जब भी अल्ट्रासाउंड करने जाएंगे तो उससे 3 घंटे पहले आपको पेशाब को रोकना पड़ेगा, यूरिन को होल्ड करके डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड अपर एब्डोमेन, अल्ट्रासाउंड अपर एब्डोमेन केवल एक ऐसा अल्ट्रासाउंड है जिसके लिए आपको खाली पेट की जरूरत पड़ती है। अल्ट्रासाउंड जब अपर एब्डोमेन होता है जिसमें कि हम लीवर देखते हैं, गॉल ब्लेडर यानी पित्त की थैली की पथरी देखते हैं, किडनी यानी दोनों गुर्दे देखते हैं और पैनक्रियाज देखते हैं, तो इन चारों ऑर्गन्स के लिए मतलब कि लीवर, गॉल ब्लेडर, स्प्लीन, पैनक्रियाज और किडनी, इसके लिए हमें खाली पेट जाने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, गॉल ब्लेडर से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जिसकी वजह से पित्त की थैली सिकुड़ जाती है। तो पित्त की थैली जब सिकुड़ जाती है तो उसमें जो पथरी होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए जब भी गॉल ब्लेडर में स्टोन होता है तो उसके लिए फास्टिंग में अल्ट्रासाउंड किया जाता है।
अगर आपको लिवर या गॉल ब्लैडर की कोई समस्या है तो आपको खाली पेट जाना पड़ता है। तो ये लिवर और गॉल ब्लैडर के लिए केवल खाली पेट की जरूरत पड़ती है। इसमें आप ना तो खाना खा सकते हैं, ना चाय पी सकते हैं, ना कोई जूस ले सकते हैं, ना ही नींबू पानी ले सकते हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल ही खाली पेट जाना पड़ता है, केवल आप पानी पी सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, चाय पी लेते हैं, तो चाय पीने से क्या होता है कि जो हमारा स्टमक में जब चाय जाती है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए पित्त की थैली से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, बाइल निकलता है जो कि हमारे खाने को ब्रेक डाउन करता है। तो जब पित्त की थैली से एंजाइम्स निकलते हैं तो वो पित्त की थैली सिकुड़ जाती है, तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से पथरी का एक्यूरेट साइज नहीं आ पाता है। तो गॉल ब्लैडर को देखने के लिए फास्टिंग की जरूरत पड़ती है। अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन, होल एब्डोमेन में ऊपर के ऑर्गन्स और नीचे के ऑर्गन्स दोनों ही ऑर्गन्स देखे जाते हैं, मतलब कि लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज देखा जाता है। इसी तरह से यूट्रस, ओबरीज या प्रोस्टेट भी देखा जाता है। तो लिवर को देखने के लिए आपको मैंने बताया ही है, अभी डिस्कस करा था कि लिवर को देखने के लिए, लिवर और गॉल ब्लैडर को देखने के लिए फास्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो जब भी डॉक्टर आपकी अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन लिखते हैं तो आपको खाली पेट जाने की जरूरत है, बस इसके साथ साथ आपको पेशाब भी रोकना पड़ता है। तो आप फास्टिंग में जाएंगे और ब्लैडर फुल करके जाएंगे अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन के लिए। स्मॉल पार्ट अल्ट्रासाउंड, स्मॉल पार्ट अल्ट्रासाउंड में जैसे कि अल्ट्रासाउंड नेक आता है, गर्दन का अल्ट्रासाउंड करना होता है, ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करना होता है या स्कोटम का अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, तो उसके लिए भी आप अपना रूटीन खाना खा के जा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड चेस्ट के लिए भी आपको खाली पेट की जरूरत नहीं पड़ती है, आप अपना खाना खा के जा सकते हैं। तो सारे अल्ट्रासाउंड, मोस्टली सारे अल्ट्रासाउंड खाना खा के किए जा सकते हैं। लोगों के दिमाग में ये बहम रहता है कि अल्ट्रासाउंड तो खाली पेट सही आता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना रूटीन नाश्ता करके जा सकते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं से मैं स्पेशली बोलना चाहती हूँ कि वो जरूर खाना खा के जाएं, उन्हें कभी भी फास्टिंग में जाने की जरूरत नहीं है। बच्चे को भूखा रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एक तो वो खुद ही इतनी कमजोर होती हैं, उनका हीमोग्लोबिन इतना कम होता है और जब तक वो अल्ट्रासाउंड का नंबर आता है तब तक तो उनको चक्कर आने लगते हैं, तो वो अपना रूटीन नाश्ता और खा पी के अल्ट्रासाउंड कराने जा सकती हैं। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अल्ट्रासाउंड के लिए खाली पेट की जरूरत नहीं है। एक अल्ट्रासाउंड के लिए खाली पेट की जरूरत है, वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई शुड ट्राई टू आंसर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।